नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। मित्रों, आज हम एक ऐसी खेती के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसकी खेती बिहार में और भारत में बहुत कम जगहों पे होती है और उससे किसान को मुनाफा तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसका सेवन करने से किसी को भी लाभ नहीं होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो किस चीज़ की खेती है, तो मैं आपको बता दूँ कि वो है टोबैको की खेती, तंबाकू की खेती, जिसका प्रयोग आमतौर पर सिगरेट में होता है। ऐसे भी लोग खैनी के रूप में उसको खाते हैं, जैसे बिहार में उसको खैनी बोला जाता है, तंबाकू को चूना के साथ मिलाकर के लोग उसको खाते हैं। और उसके अलावा उसका प्रयोग गुटखा में भी किया जाता है, उसके तनों से गुल बनता है। और किसान उसकी खेती किस तरह से करते हैं, हालांकि ये कानूनी रूप से वैध है, इलीगल नहीं है, तो किसान उसकी खेती कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये चीज़ आज हम आपको उसका शुरुआती स्टेप दिखाएंगे। और उसके स्टेप बाय स्टेप मैं हमेशा आपके लिए एक नया वीडियो लाऊंगा कि आखिर टोबैको की खेती होती कैसे है। आमतौर पर बिहार में सिवान और समस्तीपुर में सबसे ज़्यादा उसकी खेती होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि उसकी विस्तार से उसके बारे में जानकारी लेना, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरा हर आपको नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे, आपको मिलता रहे। लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि तंबाकू का यूज किसी को करना चाहिए, इसका सेवन किसी को करना चाहिए, यह शरीर के लिए काफ़ी हार्मफुल है, इससे कैंसर होता है और इंसान डेथ तक पहुँच जाता है। तो कृपया करके इस चीज़ का आप सेवन ना करें। हालाँकि ये किसानों के लिए लाभकारी है और चूँकि इसकी खेती होती है, तो ये भी मेरा फ़र्ज बनता है कि किस हिसाब से इसमें किसान को कितना मेहनत लगता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है किसान को तंबाकू की खेती में। तो उसका पहला शुरुआती स्टेप क्या होता है, आज इस वीडियो में उसके बारे में मैं आप सभी को बताता हूँ। देखते रहिए लास्ट तक इस वीडियो को। तो अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है तंबाकू की नर्सरी। मित्रों, तंबाकू का खेती करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है तंबाकू की नर्सरी तैयार करना, उसके पौधे तैयार करना, और ये तंबाकू की खेती का सबसे ज़रूरी प्रक्रिया होता है। मित्रों, इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए सर्वप्रथम आपको सबसे पहले मिट्टी की महीन जुताई करनी पड़ती है। उसके पश्चात आपको 5 या 6 फीट का बेड तैयार करना होता है, जिसमें आप हल्के मात्रा में गोबर का प्रयोग करते हैं और नाइट्रोजन का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसमें बीज डालने के पश्चात इस पे पट्टा देना होता है, जो कि घास फूस का होता है, इसके ऊपर से घास फूस से ढक दिया जाता है और बीज अंकुरण के पश्चात उसको हटा लिया जाता है। इस पे पट्टा देने का एक ही उद्देश्य होता है, ताकि धरती में गर्मी बनी रहे और उसके वजह से जो अंकुरण होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और सारे पौधे काफ़ी जल्दी बाहर निकल आते हैं। अंकुरण के पश्चात पट्टे को हटा दिया जाता है और उसके पश्चात होती है इसकी प्लांटेशन। लेकिन प्लांटेशन के लिए ज़रूरी होता है सर्वप्रथम खेत की तैयारी करना, और मित्रों, तंबाकू की खेत की तैयारी भी काफ़ी अच्छी तरीके से की जाती है। तंबाकू की खेती के लिए इसका हर प्रक्रिया काफ़ी अच्छी तरीके से करना किसानों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, अन्यथा उसके परिणाम बिल्कुल विपरीत आते हैं। मित्रों, आप जो ये अपने स्क्रीन पे बड़े बड़े गोबर के टीले देख रहे हैं, ये तंबाकू की खेती के लिए ही खेतों में रखा गया है। इसको खेत में डालने के पश्चात काफ़ी अच्छी तरीके से महीन जुताई की जाती है खेतों की। तंबाकू की खेती के लिए उर्वरक का सही मात्रा काफ़ी ज़रूरी होता है। इसमें DAP की मात्रा कम से कम 4 kg/कट्ठा के हिसाब से दी जाती है। उसके पश्चात इसमें यूरिया का प्रयोग भी कम से कम 2 या 2.5 kg/कट्ठा किया जाता है। उसके पश्चात भी समय समय पर इसमें नाइट्रोजन का स्प्रे या फिर पानी देने के पश्चात उसके जड़ों के पास नाइट्रोजन का रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। आप देख रहे हैं कुछ किसान बंधु अपने खेतों में कैसे लगे हुए हैं। तंबाकू की खेती के लिए किसान बंधु काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि
इसमें मुनाफा ज़्यादा होता है, ये एक टाइम काफ़ी मोटी रकम दे जाती है और आपको ये कभी निराश नहीं करती। लेकिन इसका सेवन उतना ही हानिकारक होता है। मैं कभी भी आपको तंबाकू का सेवन करने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। इसका सेवन काफ़ी नुकसानदेह होता है, लेकिन ये किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी होता है क्योंकि ये उनको मुनाफा देती है। मित्रों, आप इस वीडियो में नर्सरी कैसे तैयार की जाती है उसके बारे में जानें, खेतों की तैयारी कैसे की जाती है उसके बारे में जानें। इसके हर एक प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा किसान बंधु को ध्यान रखना पड़ता है। काफ़ी अच्छे तरीके से खेत की तैयारी करनी पड़ती है, उसमें उर्वरक का मात्रा का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है और उसके पश्चात इसका प्लांटेशन खेतों में किया जाता है। तो इसकी अगली जानकारी लेकर के मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए यूथ एग्रीकल्चर के साथ।